हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू मेक गोलगप्पा। आई होप यू विल एंजॉय इट। सो मैंने इसे बनाने के लिए सूजी ली है, जिसे आप रवा भी कहते हैं। अब मैं इसमें थोड़े थोड़े पानी डाल के इसे इसका एक डो बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये थोड़े थोड़े डो जैसे होने लगे हैं, अब मैं इसका अच्छे से एक डो बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, हमारे डो तैयार हो गया है। अब मैं इसे एक वेट कपड़े से ढक दूंगी। 10 मिनट्स बाद मैं इसे निकाल लूंगी। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। फ्रेंड्स, याद रहे हम इसमें मीडियम रखना है, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा ड्राई। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। अब मैं इसकी गोलियां बना के रख लूंगी। फ्रेंड्स, याद रहे हमें ज़्यादा बड़ी गोलियाँ भी नहीं बनानी है, मीडियम। अब मैं उस गोलियों को बेल लूँगी। तो फ्रेंड्स, निकाली हूँ गोलियाँ, ये बेल चुकी हैं। अब मैं ढक्कन लूँगी और उसे इसे कट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने ये कट कर दिए हैं, अब मैं इसे निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं मैं इसे निकाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं कढ़ाई लूँगी, मैं थोड़े से ऑयल, अब मैं उसे तल लूँगी। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फूल रही है इस तरह। मैं इसे हल्का रेडिश कर लूँगी, आप देख सकते हैं थोड़ा येलोइश टाइप में हो चुका है ये। ये बहुत क्रिस्पी लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं मेरे गोलगप्पे तैयार हो गए हैं। खाने में बहुत टेस्टी हैं और देखने में बहुत यम्मी। वाव, इट्स टू क्रंची। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत क्रंची है। आई होप यू विल एंजॉय इट। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट।